25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में भाजपा ने मनाया काला दिवस। पुष्कर उपखंड में भाजपाइयों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। पुष्कर भाजपा शहर मंडल ने अंबेडकर सर्किल पर एकत्रित होकर लोकतंत्र की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधकर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संयोजक मंडल महामंत्री एवं पार्षद रोहन बाकोलिया ने बताया कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकान है, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 25 जून 1975 को थोड़ा तेज बोलो 11:30 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जो कि काला दिवस है। और इससे इमरजेंसी के टाइम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, इसका आज हम विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के। हम सभी को बताना चाहते हैं कि ये 25 जून जो हुआ था ये काला दिवस था। महामंत्री अरुण वैष्णव ने बताया कि आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि के रूप में जानी जाती है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि, महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी पाराशर, मीडिया प्रभारी मोहित पाराशर, महामंत्री संदीप पाराशर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक पाराशर, उपाध्यक्ष कमल जैकी पाराशर, पार्षद कैलाश श्रेष्ठी, धर्मेंद्र नागौरा, हेमराज तेजी, वरिष्ठ नेता लखन सरवाड़िया, सर्वेश्वर शास्त्री, धर्मप्रकाश रावल, मनीष सोनी, मुकेश जाखेटिया, विनोद बागचंद बाकुलिया आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, जैसा कि आपको पता है, भारत देश के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को अचानक रात को आपातकाल की घोषणा करके पूरे देश के नेताओं को नज़रबंद कर दिया, जेलों में डाल दिया और लोकतंत्र की हत्या की गई थी, उसको आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पे वाइस चेयरमैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बाबा साहब को माल्यार्पण करने के पश्चात हमारा विरोध प्रदर्शन किया। काले झंडे, काले पट्टी बांध के हमने पूरे क्षेत्र में जाएंगे, नारेबाजी की है, लोगों में रोष है, कार्यकर्ताओं में, तो हमने उस काला दिवस को आज प्रकट किया है।